हाय स्टूडेंट, जैसे कि हमारा चैप्टर इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन चल रहा है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो फॉर्मूला समझाई और उससे रिलेटेड हमने सम किए। आज दो और फॉर्मूला समझा रहा हूँ और उससे रिलेटेड हम सम करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फॉर्मूला समझे। फॉर्मूला जो है हमारी थर्ड नंबर, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स। अभी ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो ई रेस टू एक्स ही होता है। मीन्स ई रेस टू एक्स होगा और पीछे प्लस सी रखते मैंने जैसे बताया था, तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स होगा। पर अगर जो ऐसा हो, फोर्थ नंबर फॉर्मूला आप देख सकते हो, इंटीग्रेशन ई रेस टू कोई भी पावर हो, ई एक्स प्लस फाइव समझो, ई एक्स प्लस बी रखते हैं, फॉर्मूला है ई एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन जो है ई रेस टू एक्स ही होता है, तो ई रेस टू जो भी पावर है वो सेम रहेगा, ई रेस टू ए एक्स प्लस बी। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है एक्स के साथ यहाँ पे क्या है, ए है, तो आपको ए रखना है नीचे डिवाइड में और प्लस सी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होता है, और ई की जो पावर है इस तरह हो, ए एक्स प्लस बी कुछ भी हो सकता है, इस तरह पावर हो, तो ये तो पहले तो यही रहेगा, ई रेस टू जो पावर है वो सेम। और आपको ये ध्यान रखना है एक्स के साथ जो होगा ना, जो भी नंबर होगा वो आपको डिवाइड लेके जाना है, ठीक है। बस ये इंटीग्रेशन होगा, पीछे प्लस सी रखते ही है। तो इस तरह ये फॉर्मूला, इससे रिलेटेड हम सम कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो सम है, इलस्ट्रेशन टू है। तो देखो इलस्ट्रेशन टू में क्या क्या मिला हुआ, हमें तीन चार सम है हमारे पास। फर्स्ट नंबर है हमें इलस्ट्रेशन टू में, ठीक है, एग्जाम्पल टू, उसमें हमें पहला वाला दिया हुआ है इंटीग्रेशन ई रेस टू टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल होगा, अभी अभी मैंने बताया जो पावर है वो सेम रहेगा 2x प्लस थ्री, सिर्फ x के साथ जो है वो डिवाइड में आएगा 2 प्लस सी, ठीक है। ये रखोगे तो भी चलेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को आप आगे रख सकते हो 1 अपॉन टू ई रेस टू टू एक्स प्लस थ्री, ऐसे भी आप रख सकते हो, ऐसे रखोगे तो भी चलेगा, या 2 आगे रखोगे तो 1 अपॉन टू लिख सकते हो, 1 अपॉन टू ई रेस टू जो पावर है ऐसे ऐसे रखो या ऐसे रखो, बोथ आर करेक्ट, ओके। ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर। अभी इसी तरह हमें सेकंड नंबर दिया हुआ है, सेकंड नंबर है हमारे पास इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स अपॉन फाइव, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो किस तरह होगा, पहले ई की जो पावर है वो तो सेम ही रहेगा, ई रेस टू एक्स अपॉन फाइव, और एक्स के साथ जो है, एक्स के साथ क्या है, वन अपॉन फाइव, आगे यहाँ पे माना है नीचे फाइव, मीन्स वन अपॉन फाइव जो भी हो, ठीक है ना, एक्स के साथ वो रखना है आपको नीचे, और प्लस सी, फिर वन अपॉन फाइव है तो फाइव जो है ऊपर आ जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, फाइव ई रेस टू एक्स अपॉन फाइव, ठीक है, और नीचे वन लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सी, ये आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। एक्स के साथ जो है सिर्फ वो डिवाइड में रखना है वन अपॉन फाइव, और फाइव में ऊपर है क्या, तो फाइव और ई की पावर सेम जो है, तो इस तरह इसका इंटीग्रेशन हो गया। अभी इसी तरह एक और है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर देख सकते हो आप, इंटीग्रेशन दिया हुआ है ई रेस टू माइनस टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ई रेस टू माइनस टू है, तो किस तरह करोगे, ई रेस टू माइनस टू एक्स, ई की जो भी पावर है वो सेम रखेंगे, पर एक्स के साथ जो है, एक्स के साथ क्या है, माइनस टू है, तो माइनस टू नीचे आएगा, ठीक है, प्लस सी, अभी ऐसे रखोगे तो भी चलेगा, यहाँ इसको ऐसे भी रख सकते हो, माइनस टू है आगे रख दोगे तो माइनस वन अपॉन टू ऐसे रख सकते हो, और ई की जो पावर है माइनस टू एक्स प्लस सी, ऐसे रखोगे तो भी चलेगा, माइनस वन अपॉन टू कर दिया, इस तरह हो गया। ये हो गया हमारा थर्ड नंबर। अभी देखो फोर्थ नंबर एक और है हमारे पास, पहले मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, यहीं पे करते हैं। फोर्थ नंबर हमारे पास सम है, इसी में इलस्ट्रेशन टू में ही फोर्थ नंबर है, आप देख सकते हो फोर्थ नंबर हमारा है ई रेस टू थ्री माइनस फोर एक्स, इस तरह दिया गया है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हो पहले ई की जो पावर है वो तो मैं सेम रखूंगा 3 माइनस फोर एक्स, और अभी डिवाइड में क्या जाएगा, x के साथ देखना, यहाँ पे x के साथ माइनस फोर है तो डिवाइड में माइनस फोर आएगा, आप देख सकते हो x के साथ, ध्यान रखना x के साथ यहाँ पे 1 अपॉन टू था, यहाँ पे x के साथ माइनस टू था, यहाँ पे x के साथ माइनस फोर है, ठीक है, x के साथ होना चाहिए कंपल्सरी, ये 3 नहीं, ये देखना है x के साथ माइनस फोर है तो माइनस फोर डिवाइड में आएगा, और प्लस सी, इसको ऐसा रखोगे तो भी चलेगा, या तो आप आगे भी लेके आओ, माइनस वन अपॉन फोर लिख सकते हो, और ई रेस टू थ्री माइनस फोर एक्स, और पीछे प्लस सी रखती है, ये आंसर हो गया, ओके। तो इस तरह आज हमने ये दो फॉर्मूला सीखी और उससे रिलेटेड हमने सम किए। नेक्स्ट वीडियो में
और फॉर्मूला सीखेंगे और आगे सम करेंगे। ठीक है, इसी तरह इतना है। थैंक यू।